मेरी थोड़ी आवाज आपको नहीं समझ आएगी, बट मैं यही कोशिश करूँगा कि आप समझ सकें हमारी फीलिंग्स को, डिसेबल्ड को डिसेबल्ड ना समझे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण शर्मा, मैं इंडिया का पहला इकलौता हैंडीकैप डिसेबल्ड कराटे एथलीट और मैं 9 कंट्रीज में खेला हूँ इंडिया की तरफ से। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ बचपन से लेके अब तक हुई उसके बारे में आपको प्रॉपर डिस्कस के बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ और एक डिसेबल्ड पर्सन कहाँ क्या कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी आवाज़ आपको नहीं समझ आएगी, बट मैं यही कोशिश करूँगा कि आप समझ सकें हमारी फीलिंग्स को, डिसेबल्ड को डिसेबल्ड ना समझे। तो आइए शुरू करता हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। मेरा बोर्न 6/4/1991 खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में मैं पैदा हुआ। मेरे माता ममता रानी, फादर मिस्टर राममूर्ति शर्मा और एक मेरी फैमिली में ब्रदर शुभम शर्मा और लास्ट में मैं मिस्टर तरुण शर्मा। तो करियर की शुरुआत छोटे से हुई सिचुएशन से, लाइक पैरालाइज अटैक हुआ। 6 साल का था, चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, लेकिन विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, कुछ पेरेंट्स की सपोर्ट मिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट मिली, वो चलना सीखा, बोलना सीखा, लाइक एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ जीना चाहता था बट कुछ लोगों की वजह से जी नहीं सका। स्कूल जाना था चाहता था, स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि जब स्कूल जाता था तो आप समझ सकते हैं कि एक डिसेबल्ड होना बहुत दुर्भाग्यवश है मेरे लिए, कि बचपन में सभी मजाक उड़ाते थे लाइफ में कि यार ये क्या करेगा, चल फिर तो सकता नहीं, बोल नहीं सकता। हालांकि स्कूल में एडमिशन लिया था तो उसके प्रिंसिपल ने भी यही कहा कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते हैं ना जब भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। तो 6 साल का था, पहला कदम रखा गिर गया, दूसरा रखा गिर गया, चाहत ही कुछ करने की। तो हौली 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 टाइम निकलता रहा, मेरी मुलाकात मेरे कोच मिस्टर राजेश जोशी जी से हुई, तो मैं उनका भी दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। तो उन्होंने वहाँ 6 साल की उम्र से मुझे कराटे की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और खेलते खेलते पता ही नहीं लगा कि कब कराटे में मैं इतना एक्सपर्ट हो गया। 2004 में फर्स्ट मेडल निकाला डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद फैमिली कंडीशन सही नहीं थी, खेलने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था तो स्कूल लीव कर दिया, रेडीमेड गारमेंट जॉब पे लग गया। लाइक 400 या 500 मिलते थे जिसे अपनी गेम करता था। तो हौली हौली टाइम निकलता रहा, तो 2014 में मैंने नेशनल में सिल्वर मेडल निकाला। उसके बाद 2017 में मुझे एशिया मलेशिया खेलने के लिए चांस मिला जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। फिर यूं यूं बढ़ते बढ़ते मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हुआ हंगरी में, जिधर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर यूक्रेन में मेरा सिलेक्शन हुआ जिधर मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद मलेशिया में फिर 2019 में एक गोल्ड मेडल और उसके बाद यूके आयरलैंड वर्ल्ड कप जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। ऐसे कई अचीवमेंट्स हैं, शायद आप मेरे पीछे देख सकते हो ट्रॉफीज मेडल्स बहुत हैं, बट लाइफ में थोड़ी कमी है तो वो है फाइनेंशली।
पापा लेबर करते हैं, ब्रदर लेबर करते हैं, मैं कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ। तरुण कराटे एकेडमी के नाम से एक एकेडमी चला रहा हूँ जिसमें चीपेस्ट फीस है और गूंगे प्यारे बच्चे, डिसेबल्ड चाइल्ड जिनको हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उनकी हेल्प कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कई जगह मैं पंजाब पुलिस, जिसमें DSP SSP सर ने मुझे सम्मानित करा, और वो भी मेरी टैलेंट को देख के हैरान थे कि एक डिसेबल्ड इतना कुछ कर रहा है, तो नॉर्मल्स को भी आगे आना चाहिए। तो जो जो टाइम निकल रहा है, अब देखिए सरकार, आपका बताता हूँ, जो पंजाब सरकार है वो स्पोर्ट्स को इतना मायने नहीं देती, बट वो क्यों नहीं देती ये उनको पता होगा। देखो, हम आर्मी की तरह है, आर्मी देश के लिए सरहद पे लड़ता है और हम देश के लिए रिंग में लड़ते हैं। बट मैं सभी से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से, कि डिसेबल्ड होना कोई इतना बुरा नहीं है। आज देखो डिसेबल्ड क्या क्या कर रहे हैं, बट अगर दिल में हो कि हमने ये कुछ करना है तो आप कर सकते हो। आप कभी ये मत सोचो कि अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे देखिए, मैं बैठा हूँ, मैं 50% डिसेबल्ड हूँ, मेरी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती, मैं बोल नहीं सकता अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे में इतना जज्बा है कि अगर कोई कुछ भी कहता है तो उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आपको मैं अपने करियर की, प्रोफेशनल कराटे की बारे में बताता हूँ। आज 24 साल हो गए मैं गेम कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स स्कूल गेम मेडलिस्ट हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। मैं अभी हाल ही में मलेशिया अपने स्टूडेंट को लेके गया था, उसने वहाँ से अचीव करा, और जो बफ एंड डफ बच्चे होते हैं वह स्टेट मेडलिस्ट हैं, उन्होंने स्टेट में से मेडल निकाला। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारी गेम को अप्रूवल मिल चुकी है ओलंपिक से, और होप अब टारगेट ओलंपिक है। तो अब अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आप मुझे जल्दी पैरा ओलंपिक में देखेंगे। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भरता बनाएं और कराटे की ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं, जिससे वह खुद तो स्ट्रांग रहेंगे और समाज में दूसरों की हेल्प करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी रही मेरी बात, 2008-09 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, वही बात आपको दोबारा बताता हूँ। सरकारों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ वादे करे और कुछ नहीं करा। MLA से मिला, MC से मिला, स्पोर्ट्स मंत्री से मिला, सिर्फ क्या मिला? प्रॉमिस, सिर्फ प्रॉमिस मिला। वो यही कहते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि आपको ये जॉब में दिला देंगे, आपको ये जॉब दिला देंगे, मिलता कुछ नहीं। कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कराटे ही करो, कई गेम्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे बॉक्सिंग है, कुडो है, जुडो है, जिम्नास्टिक है, कराटे है, मिक्स मार्शल आर्ट है, वुशु है। तो आजकल का टाइम देखते हुए गर्ल्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आप सबसे ये गर्ल्स से भी यही कहूँगा कि अगर आपके स्कूल में कोई कराटे सिखाने आता है तो उसे एक गोल्डन चांस समझिए कि आपको कोई कुछ हुनर देने आया है। तो आप उसको वेस्ट मत कीजिए, आप उनसे सीखिए, क्या पता आपको ये चीज़ कब काम आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने मेरा इंटरव्यू देखा, आप सब मुझे समझते होंगे, मेरी फीलिंग्स को समझते होंगे। हाँ, एक छोटा भाई, छोटा बेटा, देश के लिए कुछ करने वाला जुनून पैदा करिए, ताकि मेरी तरह ही जो हैंडीकैप्स हैं वो समाज में आगे निकल के आएं, कुछ करें और आपको इसी तरह मोटिवेट करें। तो मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।
तो सत श्री अकाल, आदाब, होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो दिल से माफी मांगता हूँ। जय हिंद।